गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो सब लोग? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ, तो बात करते हैं, अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन, उसमें थ्योरी पढ़ लिया था। आज नीट के प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, आकार ऑफ मास कितना दिया है? 1000 kg। निगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व्ड एट द रेडियस ऑफ 90 मीटर ऑन दी फ्रिक्शनलेस। क्या बोला बेटे? फ्रिक्शनलेस, म्यू बराबर 0। इफ दी एंगल ऑफ बैंकिंग इज 10 थीटा, बराबर कितना दिया? 45 डिग्री। स्पीड ऑफ दी कार इज पूछा है, तो आपको क्या क्या दिया है? मास दिया है, मास ऑफ दी कार कितना? 1000 kg। आपको क्या पूछा है कि बोला कि स्पीड ऑफ दी कार बताओ, तो आपको मास्टर फार्मूला पता है 10 थीटा। आपको पता है मास्टर फार्मूला क्या है? वी मैक्स की वैल्यू, वी मैक्स बराबर म्यू प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा। बेटे इसको बोलते हैं मास्टर फार्मूला। अब सर यहाँ पे क्या क्या चीज़ जीरो है? म्यू जीरो है, तो सर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर जी है, आर स्क्वायर जी। ठीक, तो अब यहाँ पे आर जी 10 थीटा, वी मैक्स बराबर म्यू प्लस 10 थीटा आर इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 10 थीटा। बेटे अब सर क्या क्या चीज़ें दिया है, क्या क्या बेटे दिया है, ध्यान से देखो। म्यू बराबर 0 दिया है सर, तो आर इंटू जी 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू बराबर 0 रख दो, तो सर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सर दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो वी स्क्वायर बराबर मैक्स, वहाँ पे स्पीड कितनी, मैक्सिमम स्पीड से कार जा सकती है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना? आर जी इंटू 10 थीटा, या 10 थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर आर इंटू जी। ये आपको मास्टर फार्मूला ये याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है। चाहे म्यू जीरो हो या कोई और म्यू की वैल्यू जीरो ना हो, सबके लिए वैलिड है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है, ताकि एक रोड सर्कुलर रोड, एक कार जा रही है, वो सर्कुलर रोड कितना जो है टर्न हो, क्या हो, सब एंगल ऑफ बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में है। अब सर यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या आ गया भाई? वी स्क्वायर बाई आर जी सर। अब यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो 10 थीटा इंटू आर जी, तो सर वी स्क्वायर बराबर आर जी इंटू 10 थीटा। तो रेडियस दिया है यहाँ पे, रेडियस क्या क्या दिया है यहाँ पे? मास दिया है, ठीक है, रेडियस 90 मीटर। बेटे 90 इंटू जी की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 45 की वैल्यू 1 सर, तो 900। तो सर वी बराबर अंडर रूट ऑफ 900, अंडर रूट ऑफ 900, तो आंसर कितना जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी। देखो कितना आसान सा मस्त एकदम क्वेश्चन था। आपको ये फार्मूला, मास्टर फार्मूला जो है वी मैक्स की, ये कुछ से एंगल ऑफ बैंकिंग कुछ भी निकालना पड़े, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप वहाँ पे वैल्यू रखना और आंसर निकालना, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नीट 2012 का क्वेश्चन है बेटे। देखते बच्चे, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट इंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। अब क्या है कि आपको स्टैंडर्ड कंडीशन अगर याद है, अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उसके लिए देखते हैं। अगर याद है तो सबको पता है कि अंडर रूट ऑफ 5 gr वी मिनिमम यहाँ पे आता है। अगर याद नहीं है तो उसके लिए क्या करना है आपको? सर यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो आपने पढ़ा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अगर इसको रिफरेंस पॉइंट मानते हो बेटे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? 0 है सर, मतलब हाइट 0 है, तो एम जी एच हाइट 0 है सर। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ वेलोसिटी यू मान लिया, तो हाफ मास जो ये स्ट्रिंग में है, जो रस्सी है उस पर जो मास बधा वो एम है, तो हाफ एम यू स्क्वायर सर। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो वी मिनिमम यहाँ से निकल रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर? यहाँ से लेके यहाँ तक एम जी इंटू डिफरेंस ऑफ हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी? आर प्लस आर, तो सर 2 आर एम जी इंटू 2 आर।
अब एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जस्ट क्रॉस हो, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन यहाँ पे जीरो होगा, जस्ट क्रॉस हो तो इसका मतलब सर एम वी स्क्वायर बाई आर की जो वैल्यू है ये एम जी के बराबर है। तो यहाँ से एक बात याद है, एम एम कैंसिल, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आर इंटू जी, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे वी मिनिमम। अब क्या करना है आपको इसे, ये जो वी है ये तो यू है बेटे और ये वाला सर वी है, अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास सब वैल्यू आपके पास यू चाहिए, कितनी यू चाहिए, तो आपको पता है हाफ एम यू स्क्वायर बराबर सर हाफ, यहाँ पर लिखो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की जगह पे आर इंटू जी, ठीक, ये बराबर कितना 2mgr सर। अब आपको देखो सब दिख रहा है m m m कैंसिल, यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 5gr आएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5gr, विच ऑप्शन इज करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 5gr विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ से कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि ताकि यहाँ पे पहुँच जाए, तो अंडर रूट ऑफ 5gr इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट बेटे, कह रहा है बेटे अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस कितना मीटर, 10 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, अबव इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ ऑफ द कार बाय द लाइट वायर ऑफ लेंथ दिया है 1 मीटर, द एंगल मेड बाय द वायर विद वर्टिकल इज, चार ऑप्शंस दिए हैं, एकदम बहुत आसान सा, एक कार है साहब, एक कार है बेटे, थोड़ा कार की डिजाइनिंग थोड़ी सी समझ लेंगे, एक कार है, ठीक। अब इस पे एक बॉब लटकाया गया है, ऐसे कार ऐसे चल रही है, ऐसे मान लो ये कार इधर जा रही है, बॉब है। अब यहाँ पे स्पीड दिया है वी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और ये भी दिया है रेडियस हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ये जिस भी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जा रहे हैं उसकी रेडियस दिया है, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक की रेडियस दिया है 10 मीटर। फिर ये बोला कि सस्पेंडेड वर्टिकल लूप में एक लाइट जिसका लेंथ दिया है आर की, यहाँ पर एक लेंथ की वैल्यू एल दिया है, जो L बराबर है वो 1 मीटर है, तो ये कह रहा है कि एंगल कितना वायर बनाएगा वर्टिकल से। तो सर आपने बताया ये ऐसे घूमेगी, जब कार घूमेगी आपने फील भी किया हो, जब एक कार जाती है अगर टर्न लेती तो आप भी टर्न हो जाते हो, अगर टर्न ऐसे लेती है तो आप ऐसे हो जाते हो, तो इसका मतलब ये जो बॉब उसकी रूप से बधा है ये क्या होगा, जैसे ही कार टर्न लेगी बेटी, कार जा रही थी टर्न ली, हॉरिजॉन्टल रोड है टर्न ली, तो इसका मतलब ये जो बॉब रूप से बधा है ये भी कुछ एंगल बनाएगा, मान लिया इसका सब कुछ वही, जो बॉब की क्या वेलोसिटी है, जो कार की वेलोसिटी है, सब कुछ वही है सर। तो सर कॉन्सेप्ट तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी सर, सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी कितना है हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू 10 × 10 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू दिया है, जिस भी रेडियस ऑफ रोटेशन में टर्न हो रही है 10 × 10, तो सर इसकी 10 थीटा बराबर वो तो 1 आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया 10 inverse of 45, तो थीटा की ही वैल्यू पूछ रही है वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है पाई बाई 4 डिग्री या 45 डिग्री, कितना, ठीक, 10 inverse π/4, 10 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री या π/4 बोल सकते हो, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, डी ऑप्शन सही है भाई, ऑल राइट। हाँ बच्चों देखते हैं, कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 revolution per second, क्या क्या दिया है भाई, सर मास दिया है भाई 0.4 kg दिया भाई, और क्या दिया है सर, रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड यहाँ पे एन दिया है, कितना पर सेकेंड में है, 2 revolution per second है साहब। इफ दी रेडियस रिवोल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा दिया है, और क्या दिया है, विद इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 revolution per second द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1.2, तो रेडियस भी दिया है 1.2 meter, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेन द बॉडी इज एट द टॉप ऑफ द सर्कल इज,
तो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक लगाना है बेटे। तो सर हमें जो जो दिया है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है सर, अगर एक वर्टिकल सर्कल हो रहा है तो ध्यान से समझना, कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी, पहले तो हम वेलोसिटी v बराबर r इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे रेडियस दिया 1.2 ओमेगा, ओमेगा ये दिया है रिवोल्यूशन पर सेकेंड है बेटे। तो सर ये n दिया है रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब सर ये n दिया है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक, रेडियन पर सेकेंड है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड है बेटे। अब सर यहाँ पे ओमेगा बराबर 2πn पढ़ा हूँ सर, तो 1.2 सर 2 इंटू 3.14 इंटू n की वैल्यू 2 है, तो ये सब पूरा मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 × 12, तो ये 15.86 लगभग आएगा, 15.86। अब मान लो कि ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग यही वैल्यू है भाई। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, अगर ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है भाई तो इसका FBD बना बेटी। भाई यहाँ पे क्या लगेगा, बाहर सेंट्रीपिटल फोर्स जो इन्वर्ट होता था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल अगर आप इस पे बैठ के देखोगे सर, mb² / r, सर यहाँ पे क्या लगेगा m × g, और यहाँ पे क्या लगेगा सर, टेंशन लगेगा। तो बराबर कर देंगे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो T + mg = सर mb² / r। तो टेंशन चाहिए था, तो टेंशन बराबर mb² / r - सर mg। तो सब वैल्यू रख करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी सर, T = m की वैल्यू दिया है बेटे 0.4 इंटू v², v की वैल्यू 15.86, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कल सर 1.2 माइनस mg, m की वैल्यू 0.4, g की वैल्यू 10। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 41.56, कितना बेटे 41.56। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑल राइट। इतना न्यूटन जो है ये टेंशन होगा जो रस्सी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक 500 kg ऑफ कार टेक्स राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 meters विद वेलोसिटी ऑफ 36 km/h, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने सर आपने थियरी वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें FC के बारे में सेंट्रीपिटल फोर्स सर mv² / r होता है, mv² / r सर। तो मास दिया है सर 500, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड 3600 km/h से, तो इसको 36 5/18 5/18, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 × 10 10 meters per second वेलोसिटी आ गई भाई। तो 10 meters per second का स्क्वायर है 10² / r, रेडियस कितनी है 50 सर, तो ये वैल्यू ये पूरा कैंसिल आउट कितना हो गया 10, ये कितना आ गया 1000 newton। कौन सा आंसर सही है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट सर। चलो भाई ये भी क्वेश्चन देखो, कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन द रोड टर्न ऑफ द रेडियस, r की वैल्यू दिया है सर 30 meters, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दिया है सर, न्यू बराबर 0.4 दिया है, और जी की वैल्यू भी दे दिया सर, जी बराबर 9.8 m/s². व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मास्टर फार्मूला याद करो, मास्टर फार्मूला क्या बताया था, वी मैक्स बराबर सर अंडर रूट ऑफ RG μ + tan θ डिवाइडेड बाई 1 - μ tan θ। मास्टर फार्मूला ये कहता है कि ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड है tan 0, तो इसका tan 0 ये सर 0 हो जाएगा, इसका मतलब सर वी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ μ × r × g सर। सर tan 0 0 होता है भाई, ये रख दो ये 0 सर, ये 0, ये पूरा 0 सर, हमें दिया है म्यू की वैल्यू कितना 0.4। ध्यान समझना कुछ नहीं है, r की वैल्यू कितना दिया है सर 30 meters दिया है,
फिर सर जी की वैल्यू 9.8। अब इसको कैलकुलेट एग्जैक्ट मत करो, देखो कौन सा आंसर मैच होगा। तो आप देखो सर, अगर इसको 10 लेता तो ये 300 हो जाता, 300 का 0.4, तो ये 300 का पॉइंट चार त्याई 12, 110 या 20 के आसपास होता। तो सर उसका रूट निकालते तो 10 तो होता ही, 10 से ज़्यादा है भाई। इसमें कौन सा आंसर सही है भाई? ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको एकदम तरीके से एकदम मास्टर फार्मूला कैसे लगाएं, कैसे एंगल ऑफ बैंकिंग नया एकदम आसानी से मस्त तरीके से समझना है, कहीं कोई टफनेस नहीं है बेटे। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व ऑफ रोड ऑफ रेडियस आर टू अ रोड इज ब्लैंक एट एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है बेटे, बिटवीन टायर एंड रोड इज म्यू एस। आपको पता है एक मास्टर फार्मूला सबको देखते ही समझ में आ गया, सर वी मैक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस रोड इज सेफ रोड। तो आपको क्या पता है, आपको मास्टर फार्मूला क्या पता है एंगल ऑफ बैंकिंग में? सर वी मैक्स बराबर आपने पढ़ाया था अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, एक तो ये, तो ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटे। ऑलराइट, देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन आया है नीट 2015 में, क्या बोल रहा है? टू स्टोन ऑफ मास, एक का एम है दूसरे का टू एम है बेटे, व्हील इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसे घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, दी हैवियर वन जो है आर बाई टू में है और जो कम वाला है ये वाला, ये जो है आर में रेडियस में है, ठीक है। दी टेंजेंशियल स्पीड ऑफ दी स्टोन इज एन टाइम्स ऑफ दी वैल्यू ऑफ दी हैवियर स्टोन, दी टेंजेंशियल स्पीड एन टाइम्स ज़्यादा है भाई देन दी हैवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन की वैल्यू बताना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर एफ सी वन बराबर दिया है एफ सी टू बेटे, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है एम, इसका मान लो वी वन वेलोसिटी है एम वी स्क्वायर बाई सर आर वन, तो यहाँ पे टू एम है हैवियर मास का, तो टू एम सर इंटू वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई हैवियर को किसमें घुमाया जा रहा है, रेडियस ऑफ आर बाई टू बेटे, और लाइटर को किसमें घुमाया जा रहा है आर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सर एम ने एम को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो सर v1 बराबर 4 times of v2, v1 बराबर 4 times of v2, तो सर v1 बराबर 2v2, कितना v1 बराबर 2v2। यहाँ पे क्या कह रहा है, n की वैल्यू कितना आया भाई, n की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पे रूट निकालो, तो यहाँ पे n टाइम्स दिया ना, n की वैल्यू बताओ हैवियर वन, तो आपको कितना आंसर है भाई, 2 is the correct answer। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने पूरा नीट का जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें देख ली। अब हम जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के वो सर्कुलर मोशन के करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम पास में है तो प्रीवियस वीडियो सारे एक बार क्विक रिवीजन देख लो, 30 मिनट का है, ताकि आपको एक अच्छी बेनिफिट, कम से कम मैकेनिक्स आपका तैयार हो जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।